दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कल वाला पाठ में लिखा दिए थे एकांतर कोण समान होते हैं, तो दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो मान लो ये ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, ए बी समानांतर सी डी है, ये तिर्यक रेखा है एम एन, पतन बिंदु हो गया ओ और पी। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है या तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, उसमें एकांतर कोण ये और ये हुआ, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, होगा अगर ये मान ये और ये तुमको एकांतर कोण है, अगर ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा, तो यहाँ एकांतर कोण कौन कौन सा है, कोण ए ओ पी, इस कोण को कहेंगे ना कोण ए ओ पी या पी ओ ए, यहाँ कोण ए ओ पी बराबर, ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के, इसको क्या कहेंगे ओ पी डी या डी पी ओ, डी पी ओ बराबर, दोनों कितना है अल्फा, बराबर अल्फा लिखेंगे, इसका अर्थ हुआ कोण डी पी ओ बराबर अल्फा, इसको ढक दो तो कोण ए ओ पी बराबर अल्फा, समझ रहे हो जी। तो ये एकांतर कोणों की पहली डोरी बराबर होगी और दूसरी डोरी ये भी बराबर होगी, यानी एवं इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण बी ओ पी या पी ओ बी, कोण पी ओ बी, पी ओ बी, यानी ये कोण है ये कोण एकांतर कोण है जो बराबर होगा कोण सी पी ओ, ये दोनों बराबर है और दोनों कितना है डेल्टा, समझ रहा है ना जी। चलो उदाहरण को उतारो, कल वाला क्या यही पॉइंट लिखो, पॉइंट वन एकांतर कोण समान होते हैं, इसको उतारो, दूसरा उदाहरण देखो, मान लो ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी है, कोई तिर्यक रेखा है पी क्यू, मान लो ये ओ बिंदु पर काटा और ये एस बिंदु पर काटा, तो ए बी समानांतर सी डी है तो एकांतर कोण कौन कौन सा हुआ, एक कोण ये हुआ दूसरा कोण ये हुआ, अगर मान लो ये कोण 60 डिग्री होगा तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये कोण 60 डिग्री होगा तो ये कोण कितना होगा, ये वाला ये एक ही बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होते हैं, तो 180 में से 60 घटा दो तो ये 120 होगा, ये भी होगा 120, ये पूरा कोण होगा 180, 60 घटा दो तो ये 120। तो समानांतर रेखा को जैसे भी खींचे तिर्यक छेदी रेखा जब काटेगा तो एकांतर कोण बराबर होगा, तो यहाँ
upon B O S. S. बराबर ये कौन B O S. S बराबर. 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 C S O होगा. C S O बराबर दोनों कितना है सात डिग्री. तथा ये कौन अब ये कौन बराबर है इस कौन को कैसे लिखेंगे कौन A O S बराबर कौन कौन D A O S ये कौन हुआ अब ये कौन लिखना है G S O G S O बराबर 120 तो ये समझ गया चलो उतार लो एक अंतिम उदाहरण इस पर देख लो समानांतर रेखा जरूरी नहीं है तुमको इसके ठीक नीचे ही खींचेंगे मान लो ऐसे भी खींच सकते हैं समझा और बढ़ा भी सकते हैं आगे की ओर बोर्ड पर पहले ध्यान दो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे जितनी भी रेखा मान लो ये एक रेखा काटे एक इधर से काटे तो दो रेखा काट रही है दो समानांतर रेखा को पहली तिर्यक छेदी रेखा ये दूसरी ये तो मान करके चलो इस पर पहले हम लोग सोचे इसमें ये और ये एकांतर कोण होगा अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा उसके बाद ये और ये भी एकांतर कोण होगा ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा इसी तरह इसमें आओ मान लो ये कोण x होगा ये कोण भी x होगा ये कोण y होगा तो ये कोण y होगा ना तो मान लो एक और रेखा काट सकता है दो समानांतर रेखा को जितनी भी रेखाएं काटेगी सब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी याद ये रखना है जब दो समानांतर रेखा को कोई भी तिर्यक छेदी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होगा लास्ट उदाहरण उतारो अगला पॉइंट देखो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं मान लो ये भी समानांतर सीधी है इसमें संगत कोण कौन कौन सा हुआ ये और ये संगत कोण हुआ याद करो समानांतर रेखा के एक ही ओर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण को संगत कोण कहते हैं तो समानांतर रेखा ए बी के बाई ओर है ये कोण और सी डी के भी बाई ओर है इसके बाद मान लेते हैं ये कोण 100 डिग्री है
तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। फिर दूसरा जोड़ी ये और ये हुआ, ये 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सरल रेखा के, एक सरल रेखा है ना, वो बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 होंगे, इतना हो गया 100 डिग्री, तो ये 80 होगा। इसमें भी ये हो गया 100 डिग्री, तो ये 80 होगा। देखो तो संगत कोणों की दोनों जोड़ी बराबर है, पहली जोड़ी 100 डिग्री 100 डिग्री, दूसरी जोड़ी 80 डिग्री 80 डिग्री। फिर इसी तरह ये कोण भी 100 डिग्री ही होगा। अब कैसे होगा तो थ्योरम में बतलाएंगे। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो सम्मुख कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है। यहाँ ई एफ और ए बी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री, और ये रेखा काट रही है तो इसके सामने में ये कोण है, ये 100 डिग्री, तो ये भी होगा 100 डिग्री। अब देखो तो संगत कोणों की तीसरी जोड़ी ये है, तो ये भी बराबर होगा। और संगत कोणों की चौथी जोड़ी, ये है 100, तो ये 80 डिग्री होगा। ये भी है 100, तो ये 80 डिग्री होगा। यहाँ मिला लो तो दो समानांतर रेखा AB एवं CD को EF तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होगा। यहाँ पर कोण बी, ये ओ बिंदु है, बी ओ ई या ई ओ बी, यहाँ कोण ई ओ बी किसके बराबर? संगत कोण की पहली जोड़ी ये है तो बराबर होगा। तो किस कोण के? तो कोण बी पी ओ, कितना के बराबर है? 100 डिग्री के बराबर। संगत कोण की ये पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी कोण बी ओ पी, इस कोण को कहेंगे ना बी ओ पी, कोण बी ओ पी, बी ओ पी, ये कोण बराबर, ये कोण, ये दूसरी जोड़ी है ना, ये पहली जोड़ी था, दो ठो लकीर मारे हैं तो दूसरी जोड़ी कोण बी ओ पी बराबर कोण बी पी एफ, कितना है? 80 डिग्री। तीसरा संगत कोण, तीसरा हो गया, तीन लकीर खींच देते हैं, ये तीसरा, तीसरी जोड़ी है, तीन लकीर वाला, दो लकीर वाला दूसरी जोड़ी। तो तीसरी जोड़ी को कैसे लिखेंगे? कोण ए ओ पी बिंदु है, ए ओ पी, कोण ए ओ पी बराबर ये कोण, यानी कोण सी पी एफ, सी पी एफ, कोण सी पी एफ बराबर 100 डिग्री। और चौथी जोड़ी, चार लकीर खींच दिए तो ये चौथी जोड़ी है संगत कोणों की, तो ये कोण बराबर ये कोण, तो इस कोण को क्या लिखेंगे? कोण ई ओ ए, कोण ई ओ ए बराबर कोण 80 डिग्री लिखेंगे, सी पी ओ, कोण सी पी ओ 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री। ये पॉइंट याद रहेगा ना, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो उतारो इसको, देखो
उदाहरण, दूसरा उदाहरण, यहाँ AB समानांतर DC है, यानी AB और DC समानांतर रेखा है, MN त्रिज्या क्षैतिज रेखा हो गया। दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा या त्रिज्या क्षैतिज रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, ये कोण अल्फा है तो इसका संगत कोण कौन सा है? ये है, ये कोण ए ओ एम और कोण डी पी ओ संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये अल्फा हुआ, इसका मतलब ये भी अल्फा होगा। तो ए कोण ए ओ एम बराबर कोण डी पी ओ होगा, डी पी ओ बराबर अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा। इसके बाद ये कोण थीटा है, ये तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? तो ये होगा कोण ए ओ पी, ए ओ पी बराबर कोण डी पी एन, डी पी एन बराबर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ रहे हैं जी? तीसरा संगत कोण की जोड़ी एम ओ बी, एम ओ बी ये कोण और ये कोण होगा संगत कोण, और संगत कोण बराबर होते हैं तो ये गामा है तो ये भी गामा होगा। तो ये भी हो गया गामा। तो कोण एम ओ बी, एम ओ बी बराबर कोण ये होगा ओ पी सी, कोण ओ पी सी बराबर गामा, वाई लिख करके थोड़ा सा इसे घुमा देना, ये गामा कहलाता है। संगत कोणों की चौथी जोड़ी कोण बी ओ पी, बी ओ पी यानी ये कोण, इसकी जोड़ी होगा सी पी एन, कोण सी पी एन बराबर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बराबर बीटा। तो याद रह जाएगी बात, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो तरह के कोण बराबर होते हैं। पहला एकांतर कोण बराबर होता है, दूसरा संगत कोण। इसको उतारो। चलो देखो इधर, जब दो समानांतर रेखा को कोई त्रिज्या रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, ए बी समानांतर सी डी है, तो ये मान लो त्रिज्या रेखा है पी क्यू, ओ बिंदु और एस बिंदु पर काटता है त्रिज्या रेखा दोनों समानांतर रेखा को। अंतः कोणों की जोड़ी ये और ये हुआ जी। अगर मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा अंतः कोणों की जोड़ी हो गया। जब दो समानांतर रेखा को कोई त्रिज्या रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग यानी जोड़ 180 डिग्री होता है। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह अंतः कोणों की ये और ये दूसरी जोड़ी है, अगर मान लो ये थीटा है और ये डेल्टा है तो अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी थीटा जोड़ डेल्टा का योग 180 होगा, थीटा जोड़ डेल्टा बराबर 180 डिग्री। दूसरा उदाहरण,
देखो यहां पर PQ समानांतर RS है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है AB, तो अंतः कोण कौन सा होगा? एक ये होगा और दूसरा ये होगा। मान लेते हैं O बिंदु और M बिंदु पर काटा, तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये 70 डिग्री होगा तो ये कोण कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का योग, तो 70 में कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा, 110। और ये कोण कितना होगा बोलो तो? PQ सरल रेखा के बिंदु O पर एक ही ओर के कोण 180 होंगे, ये 70 है तो ये 110 होगा। वैसे भी एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये एकांतर कोण है, ये 110 है तो ये 110 होगा। और ये एकांतर कोण है तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब दो अंतः कोणों का योग देखो तो इसका और इसका 70 है 110, 180 हुआ। तो समझा ना इसको, तो पॉइंट सबको याद रखना और अगले पार्ट में तुम लोगों को बतलाएंगे इस पर आधारित परिभाषा। जैसे समानांतर रेखा का दो परिभाषा बतलाए हैं, अगले पार्ट में और तीन परिभाषा को जोड़ेंगे। उतार लो।